हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास आई है क्लासिक 350, इसे हमने स्टैंडर्ड 350 में मॉडिफाई किया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए और इसमें कितना खर्चा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके टैंक के बारे में। इसके टैंक में हमने सिंपली ब्लैक कलर करवाया और ये स्टिकर लगाया और ये गोल्डन स्ट्रिप से लगाई है, जिससे एकदम ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला लुक आ रहा है। और ये सेम स्ट्रिप हमने इसके साइड के डिक्की पर भी लगाई है और ये स्टिकर भी लगाया है बुलेट 350 वाला, जो कि एक स्टैंडर्ड में आता है। इसके बाद बात करते हैं इसके अलॉय की, जो कि है मर्सिडीज शेप्ड अलॉय, जिसकी प्राइस है 5,800। उसके बाद बात करते हैं लेग गार्ड की, जो आपको पड़ जाएगा 1,000 के अंदर अंदर। इसके बाद आते हैं हेडलाइट पर, जो कि LED वाला मॉडिफाइड हेडलाइट है, इसकी प्राइस है 2,200। अब बात करते हैं इसके सीट के बारे में, जो कि है रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड की ओरिजिनल सीट, इसकी प्राइस है 1,800। आप ऐसा कह सकते हो कि इस बाइक में मेन रीज़न स्टैंडर्ड वाले लुक का ये सीट ही है। आप में से काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा कि स्टैंडर्ड का जो बेक मरघाट आता है उसका शेप अलग आता है और क्लासिक का शेप अलग आता है। इसमें जो मरघाट है वो क्लासिक वाला ही है, इसमें हमने चेंज नहीं किया है। अब चलते हैं हम इसके बैक साइड पर। इसके बैक साइड पर इसका जो टेल लाइट है ये स्टैंडर्ड का ओरिजिनल टेल लाइट है, जिसकी प्राइस 500 रुपये तक की है। अब बात करते हैं इसमें सबसे आखिरी और सबसे मेन आइटम के बारे में, जो है इसका साइलेंसर। इसमें पंजाबी ओल्ड स्टाइल कोठी डली है, जिसकी प्राइस 1200 से 1300 तक की है। हाँ, तो इस वीडियो में आपने देखा हमने कैसे एक क्लासिक 350 को स्टैंडर्ड 350 बना दी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।